बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे। तो इसके लिए हमने लिया है, सूजी ली है 5 टेबलस्पून के करीब, और 1 कप मैदा है, काली मिर्च कुटी हुई है कोई 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद है। नमक है हमारे पास 3 से 4 पिंच, या नमक आप जितना भी अपने जायके के हिसाब से डाल लें। 1/2 टीस्पून के करीब आप नमक डाल लें तो इसमें बराबर होगा, इससे कम या ज्यादा आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। पानी चाहिए होगा हमें इसकी डो तैयार करने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे, एकदम ज्यादा नहीं डालेंगे ताकि ज्यादा पतला ना हो जाए। दरमियानी सी हम इसकी डो तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं। अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, आप देखिए बहुत ज्यादा नरम भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढांक के रखेंगे, उसके बाद हम इससे नमक पारे तैयार करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं हमारे नमक पारे के रखे हुए डो को, और मैदा डस्ट किया है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सारे पेड़े तैयार हो गए हैं, अब हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको फ्लैट कर लेंगे। ये सारे हमने पेड़े फ्लैट कर लिए हैं थोड़े से हाथ की मदद से। अब बाकी इसको बेलन से हम बेल के चपाती की शक्ल बनाएंगे। एक चपाती हमने बेल ली है, इसका आप देख लें, ये बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। तो इसी तरह बाकी सारी चपाती भी बेल लेंगे। ये हमने चपातियां बेल ली हैं पूरी, अभी हर चपाती के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के तो दूसरी उसके ऊपर रखेंगे, जिस तरह के हम समोसा या रोल की पट्टी बेलते हैं सारी इकट्ठी करके, सेम वही प्रोसीजर इसके साथ हमने करना है। ये दूसरी चपाती रख दी, ऊपर और ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर तीसरी, इसी तरह सारी चपातियां हम इस पे इकट्ठी रख के तो इसको दोबारा से बेलेंगे। ये हमने सारी चपातियां एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं, अब इनको दोबारा से बेल लेंगे। ये हमने बेल ली है, इनको हमने बहुत ज्यादा नहीं बेला, तकरीबन उतनी ही है, बस थोड़ा सा और फ्लैट किया है। अब इसको पूरी को रोल कर रहे हैं। आपसे अगर ज्यादा मोटाई हैंडल ना हो सके तो आप तीन तीन या चार चार चपाती एक दूसरे के ऊपर रख के आप कर सकती हैं इस तरह, ताकि जल्दी भी हो जाए और आसानी से भी हो जाए। तो अब हम इसको काट लेंगे। आपने नमक पारे शायद एक ही टाइप के देखे हों, लेकिन ये लच्छेदार नमक पारे बनेंगे बहुत मजे के। ये देखिए, ये इसकी पूरी इसमें लेयर्स आएंगी। ये हमने सारे इस तरह फ्लैट कर लिए हैं थोड़े, ये हमने जो फ्लैट किए थे इनको दोबारा से चपाती की शक्ल में बना रहे हैं रोल कर बेल के। ये हमने चपाती बेल ली है इस तरह, ये आप देखें इसके लेयर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये इसी तरह बाकी सारी भी चपाती बेल लेनी। ये हमने पूरी इस तरह बेल ली है छोटी छोटी चपाती, और दूसरी तरफ तेल गर्म होने के लिए रखा है। इस तरह आप एक पीस डाल के चेक कर सकते हैं तेल को कि गरम है कि नहीं। मीडियम टू हाई गरम होना चाहिए, मतलब मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें फ्राई कर रहे हैं इनको। ये देखें अच्छी तरह फूल रहे हैं।
आप इस टाइप के भी नमक पारे जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारे हो चुके हैं नमक पारे तैयार, अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे नमक पारे तैयार हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। लच्छेदार नमक पारे बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए आप इसका क्रिस्प, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।